हमारा ही बर्थडे और तैयारी भी हमें ही करनी पड़ रही है। और देख रहे हो लड़की के चेहरे में कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है। हमें थोड़ा बड़ा केक चाहिए था, पहले ये नहीं था कि से उसके लिए आना पड़ा कि मैं उसके लिए पतीसा लेके जाऊँ। और पतीसे लेके नहीं जा रही हूँ मैं, यहाँ पे ना कुछ पेड़ा भी बनता है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होता है, तो ये है पतीसा। ठीक लग रहा है? कल है मेरा बर्थडे और उसके लिए हम करेंगे थोड़ी सी तैयारियाँ। इतनी ज़्यादा तो कोई बड़ी पार्टी वार्टी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तैयारी करेंगे उसके लिए। कुछ कुछ शॉपिंग करना है तो मैं तो हो गई हूँ तैयार। ये मैंने ब्लैक ड्रेस डाली हुई है और अभी बस आंसू भी मेरे साथ जाएंगी, तो आंसू बस तैयार हो रही है और अब उसको लेके जाएंगे हम मार्केट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे साथ है मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर आशु। चश्मा कहाँ है? चश्मा लगा, व्लॉगिंग हो रही है ना ये। हाँ चल बैठ जा। तो आज नहीं, कल है मेरा बर्थडे और बर्थडे की थोड़ी तैयारियाँ तो देखो करनी पड़ेंगी। केक लाना है, थोड़ा डेकोरेशन का सामान लाना है, मेरा ही बर्थडे है और तैयारियां भी मुझे ही करनी पड़ेंगी। तो हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मेरी सिस्टर्स मेरे साथ हैं, इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। हम सारे साथ में मिलके बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। खुशियां चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें एक्साइटमेंट उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सभी साथ में मिलके चलते हैं मार्केट और फिर वहाँ से जो कुछ भी हमारे ज़रूरत का सामान होगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत सामान जाके लेके आएंगे। तो हम जैसे ही घर से निकले, सबसे पहले हमने की सबीना के लिए शॉपिंग, जो कि कुछ स्टेशनरी का सामान था, उसको अपने काम के लिए लेना था। उसको एक्चुअली चॉक से लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो अपने लिए कुछ कलरफुल चॉक्स ले रही थी। तो मैं पास में ही एक अच्छी दुकान को जानती थी, तो वहाँ पे हम गए। और एक सबीना की सबसे अच्छी बात कि वो बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी करती है। तो जब तक आशु जो है कुछ सामान यहाँ से परचेज करती है अपने लिए, मैं जा रही हूँ आगे वाली शॉप में चेक करने के लिए वहाँ पे मुझे क्या सामान मिल सकता है। छोटे शहरों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर एक सामान आपको आसपास मिल जाता है, कुछ कदमों की दूरी पर। और ये किस तरीके का आएगा? अच्छा ऐसा आएगा बस। अच्छा इसमें बलून है और हैप्पी बर्थडे लिखा है, इसमें लाइट वाइट सब है। हाँ अच्छा, और छोटे में नहीं है वो पीछे वाला जो जिसमें बलून नहीं चाहिए हमें? बलून तो है हमारे पास, वो जो वो वाला है, वो इधर नीचे। हाँ ये हाँ, इसमें भी बलून है, बिना बलून के, जिसमें सिर्फ हैप्पी बर्थडे ऐसे लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा हो, ऐसा नहीं है। ये बलून वाला है, ये वाला बलून ना हो, ये बलून नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला बलून चाहिए। हाँ कि सिर्फ हैप्पी बर्थडे पीछे लिखा हो, ऐसा बलून ना हो। मेरे ख्याल से वो पीछे वाला है ना, वो वाला। और वो क्राउन भी है, सर वाला, सर पे रखने वाला क्राउन है। हाँ ये कितने का है? ये दे दो, इसको फुलाना पड़ेगा। छोटी डंडी रहती है इसके पाइप की ना, खुल जाती है आसानी, ये डालना है खुल जाएगा। अच्छा और कोई कलर में नहीं है वो? गोल्डन कलर में। तो हम कुछ सामान देख रहे थे वॉल डेकोरेशन का, जो कि मुझे जिस कलर में चाहिए था, मैं पीच कलर ढूंढ रही थी या कि ब्लैक कलर ढूंढ रही थी, क्योंकि घर की जो मेरी वॉल है वो वाइट कलर की है, तो उसमें कुछ ऐसे कलर बहुत अच्छे लगेंगे, या कि गोल्डन कलर का हो, वो भी नहीं मिल रहा था। साथ ही जो ये क्राउन था, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, बट मुझे अभी भी ये क्राउन पसंद आ नहीं रहा था। तो तब तक मैंने भैया को कहा कि अगर वो मुझे कुछ और दिखला सकते हैं, कुछ और वैरायटी हो उनके पास वो दिखलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सी कोशिशों के बाद हमें अपनी पसंद का क्राउन नहीं मिला, तो हमने चेक किया दूसरी दुकान पे कि हमें अगर उससे बेहतर क्राउन मिल जाए जैसा मैं चाहती थी।
तो हम आ गए वहीं पे बगल वाली शॉप में जहाँ पे हमने ऑर्डर कर रखा था केक। तो हमें तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे आना ही था क्योंकि हमें अपना केक जो था, जो हमने एडवांस में ऑर्डर दिया था, वो लेना था। तो यहाँ पर ही चेक करते करते हमें जो वो वॉल हैंगिंग थी ना हैप्पी बर्थडे वाला, हाँ यही, ये मिल गया। और अस्सू की नज़रें अटक गई ये गुड़िया पे। ऑल्दो हमने काफ़ी कोशिश की कि हमें कुछ और पिंच कलर या येलो कलर में वॉल हैंगिंग मिल जाए हैप्पी बर्थडे वाली, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। हम बहुत ही ज़्यादा खोज रहे थे और अब इससे ज़्यादा तो अभी खोजना नहीं था, तो मुझे डिसाइड करना था कि अभी जो इस शॉप में अवेलेबल है उसी को लेंगे, इससे ज़्यादा तो अब कहीं और देखने वाले नहीं हैं कुछ भी। तो फाइनली मैंने जो ब्लैक वाला है उसको फाइनल कर दिया और फिर उसके बाद अब हम बढ़े क्राउन की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हूँ। तो भैया के पास जो भी स्टॉक्स अवेलेबल थे तो उन्होंने मुझे अलग अलग तरीके के दिखलाए। ये सारे भी जो हेड के पीसेस रखे थे ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन मैं वो प्रिंसेस टाइप ही ढूंढ रही थी। तो चूँकि भैया के पास स्टॉक बहुत अच्छा था हर एक ओकेजन के लिए ना, तो फाइनली मुझे जिस तरीके का क्राउन चाहिए था वो भैया ने निकाल दिया। देखिए इसमें बीच में एक वो जो टाइटेनिक मूवी में नहीं हार्ट ऑफ ओशन था, उसी तरीके का एक बड़ा सा डायमंड यहाँ पे बीच में लगा था। ये टेम्प्ररी ही क्राउन था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं जैसा चाह रही थी वैसा मुझे मिल गया एक्चुअली में। आपा लिखना आपा। तो भाई यहाँ पे ना काफ़ी सारी वैरायटी तो है। अब हमें थोड़ा बड़ा केक चाहिए था, पहले ये नहीं था कि बहनें होंगी तो हमने छोटा केक ऑर्डर किया था, तो अभी हमने केक का साइज़ जो है बढ़वा दिया है और भैया वहाँ पे लिख रहे हैं, मेरा नाम लिख रहे हैं उसमें, ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो भाई केक तो मिल गया है हमें, अब चल रहे हैं थोड़ी मिठाइयाँ वगैरह भी हमें परचेज करनी है, तो मिठाइयाँ वगैरह लेंगे। अब देखो दुविधा ये है कि हमारा ही बर्थडे और तैयारी भी हमें ही करनी पड़ रही है, और देख रहे हो लड़की के चेहरे में कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है, आज बुरा भी लग रहा है मुझे। हाँ कोई बात नहीं, हम दे देंगे दे देंगे। तो शबनम काफ़ी वक्त से बोल रही थी कि उसको मीठा खाना और उसको यहाँ के पति से बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे अलग से उसके लिए आना पड़ा कि मैं उसके लिए पतीसा लेके जाऊँ, और उसे पतीसे लेके नहीं जा रही हूँ मैं, यहाँ पे ना कुछ पेड़ा भी बनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, तो ये है पतीसा। तो ये कुछ सोन पापड़ी जैसा होता है लेकिन सोन पापड़ी से भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, और अभी बस पैकिंग करा ली है और लेके जाते हैं घर। तो हम दोनों बहनों ने मिलके बाहर से जितनी भी चीज़ें हमें लेनी थी हमने ले ली, और थोड़ा सा हर की पौड़ी की जो मार्केट है उसके भी चक्कर लगाए, और इवनिंग का वक्त हो भी गया था, आरती का टाइम है, तो इतनी ज़्यादा आप भी आपको यहाँ पे भीड़ नहीं मिल रही है क्योंकि आरती के वक्त मोस्ट ऑफ लोग घाट पर होते हैं ना कि शॉप्स पर होते हैं, और जैसे ही वहाँ पे आरती ख़त्म होती है फिर दुकानों में लोगों का आना बढ़ जाता है। तो इसके पहले कि लोगों का आना बढ़े, आरती ख़त्म हो, हम चाहते हैं कि इस बिज़ी मार्केट से निकल जाएं जो कि ये हर की पौड़ी के पास में ही है। और यहाँ पे देखिए शॉप्स कितनी रंग बिरंगी है ना, हर तरीके की चीज़ें हैं, डेकोरेशन के सामान हैं, आपको हर एक तरीके की दुकान यहाँ पे मिल जाएगी। और आप जब शाम में यहाँ पे घूमते हैं ना तो गज़ब का सुकून मिलता है, अलग अलग तरीके के लोग, अलग जगहों से लोग आते हैं, हर तरीके के लोग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब आप अगर टूरिस्ट प्लेस पे हैं ना तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं, बस आपको करना क्या है अपनी गाड़ी निकालनी है, और कभी गाड़ी ना हो ना
तो पैदल ही पद यात्रा पे निकल जाइए, कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा जरूर देखने के लिए मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। ओ बाबू चल घर आ, इक्कू पिक्कू इक्कू पिक्कू। कहाँ बेबू चला? नहीं आ रहा, चला अंदर आ, अंदर आ। बेबू बेबू चल घर, चल 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 ना चल ना चल ना। बुबू कहाँ है? यार ये चीज को फ्रिज पर रखा था भाई। देखो देखो, मूशी पूशी। तो अभी जैसे ही घर आए तो लाइट हो गई है गोल। अच्छा, अरे वाह, पतीसा पतीसा तो जावे तो गच गच सो रहे का? हाँ यार, बड़ा तेज नींद लग रहा है। चल फ्रिज में रख दे रोशनी सारी मिठाई। यार अभी लाइट तो हो गई है गोल और पूरा का पूरा अंधेरा है अंदर, और अभी सारी तैयारियां तो हमने सामान तो इकट्ठा कर लिया है और सारी की सारी चीज़ें जो है अभी अरेंज करेंगे, और थोड़ा सा थक गई हूँ तो रेस्ट करूँगी। आई होप आप सभी को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना सभी लोग ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूँगी। बाय बाय।